आज के इस महिमा मंडित कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोज सिन्हा जी और इस कार्यक्रम में इस कार्य के लिए जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया और जिनके निरंतर प्रयत्नों के बाद इसमें सफलता प्राप्त हुई है, ऐसे श्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे आदरणीय सभी गुरुजन और एडिशनल डीजी श्री पांडे जी और आप सभी धर्मप्राण सुंदर साथी महानुभाव महामती प्राणनाथ जी भारत को एक सूत्र में सूत्रित करने के लिए उस समय साधन संपन्नता नहीं थी, फिर भी उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बहुत ज्यादा परिश्रम किया और भारत के लिए संपर्क की भाषा हिंदी भाषा ही उपयुक्त है ये उन्होंने उस समय प्रस्थापित किया था और कार्य भी किया। आज भारत सरकार विभिन्न भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाए इस प्रकार से प्रयत्न कर रही है महामती श्री प्राणनाथ जी। उनकी वाणी यद्यपि विविध भाषाओं में है किंतु उन्होंने उसको देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करके विभिन्न भाषाओं का ज्ञान सब लोगों को सरलता से प्राप्त हो सके उसके लिए भी प्रयत्न किया था। उनके योगदान बहुत ही अधिक है, सब महानुभावों ने उसके संदर्भ में बातें कही। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी युग युगांतर के लिए कार्य किया हो, ऐसे महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ये राष्ट्र का परम धर्म होता है। वह धर्म आज भारत सरकार की ओर से यहाँ पर निभाया गया है, तो मैं उसके लिए माननीय श्री सिन्हा जी, प्रहलाद पटेल जी, भारत सरकार और जो भी इस संदर्भ में संबंधित महानुभाव रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज ने इसके लिए काफी प्रयत्न किया और इसके लिए भी मैं उनको भी और उनकी टीम को भी यहाँ उपस्थित सब महानुभावों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा।